जी, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का एक कार्यकर्ता हूँ। दायित्व के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास। ये उत्तर प्रदेश जनसंख्या अभियान के अंतर्गत ये यात्रा चली है 4 तारीख को गाजियाबाद से। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों से होते हुए ये 51 जिले में यहाँ पहुँची है, गाजीपुर में। हर जगह प्रयास हुए हैं इस यात्रा को अवरोध करने के लिए, लेकिन हम शांतिपूर्वक चले आ रहे हैं। यहाँ पुलिस व्यवस्था नहीं थी, यहाँ जो एक अनुमति है उसके अनुसार पुलिस मिलनी थी, सुरक्षा मिलनी थी, एस्कॉर्टिंग वो नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं, वो एक अलग विषय है। पीछे समाजवादी की गाड़ी के 2 गाड़ियों पे झंडे लगाए हुए लोग, 10 से 12 लोग थे, 11 थे 12 थे 13 थे 10 थे, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, ओवरटेक किया है, रथ को ओवरटेक किया है, बदतमीजी शुरू की है, ड्राइवर के साथ हाथापाई की है। राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल उतर के आई है, उनके साथ हाथापाई हुई है। राष्ट्रीय महासचिव सरदार जोगिंदर सिंह जी, इनकी पगड़ी उतार के नीचे गिरा गिरा के मारा गया। मैं भाग के आया हूँ, मैंने इनको बचा के इनके ऊपर लेट गया हूँ। उन्होंने लेटे हुए भी लगातार पत्थरों से कुचल कुचल के मारा है। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा पैर तोड़ दिया है रॉड ले लेके, यानी पूरे लाठी डंडे रॉड हर चीज से तैयार होके आए हैं, गाड़ियों में पत्थर भरे हुए। तो ये कोई सुनियोजित साजिश है। मेदिनीपुर मंटू सिंह। हाँ मंटू जी, क्या हुआ है पूरा मामला आप लोग? यहाँ मुझे सूचना मिला है, यहाँ के लोग जो है ये जन सूचना की रैली निकली थी और मेरे गाजीपुर पुल के नज़दीक जो पटकनिया चट्टी है, मेदिनीपुर चट्टी पे, ये यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग गाड़ी बस और भी जो संसाधन, जो प्रचार के संसाधन होते हैं उनको लेकर के ये रैली के तमाम में चल रहे थे, जिसको आ करके बैरिकेटिंग आगे जो है पुल के पास एक बैरिकेटिंग लगा हुआ है जहाँ वो गाड़ी रुकी। और पीछे के लोग जो ड्यूटी जाने वाले थे, वो हमारे गांव के अखंड प्रताप सिंह जो अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, वो काफ़ी वहाँ जो है 15-20 मिनट इंतज़ार करने के बाद ये जाम लगाए थे मौके पे यहाँ। और यहाँ से निकलने के बाद जब वो निकल करके और अपनी बात रखे कि भाई आप जो है हम लोग ड्यूटी जाने वाले हैं और इनको निकल करके जो है आप हटिए, जाम रास्ता छोड़िए, हम लोग अपने अपनी ड्यूटी को जाएँ, उसमें से जो भी व्यक्ति है निकला उस समूह में से, जो भी लोग आए बिना उस लड़के की कोई गलती ये पूछने पे ही लोग उसमें से निकले सारी गाड़ियों में से और उसको बुरी तरीके से मारने लगे। यहाँ इस चट्टी पे उपस्थित पिकेट, यहाँ उपस्थित काम करने वाले जो रेलवे का यहाँ ओवरब्रिज का काम चल रहा है उसमें कर्मचारी, जैसे जैसे यहाँ देखते रहे, लोगों को सूचना मिलती रही, अब अपने गांव जो है अपने गांव के लोग यहाँ लोकल लोग जो भी देख रहे थे कि एक लड़के को 25 लोग 50 लोग मिल के मार रहे हैं बुरी तरीके से और उसकी हत्या करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो गांव के लोगों को सूचना मिली, गांव उसमें से उमड़ के अपने भाई को अपने बेटा को बचाने के लिए आया है। यानी कुल मिला के बचाने के लिए ही प्रयास है, कोई राजनीतिक कोई वो नहीं। सर मेदिनीपुर चौराहे पे कुछ लोग जो है धरना की वजह से बैठे हुए हैं, हमला हुआ है, तोड़ फोड़ हुआ है, क्या है मामला, क्या कार्रवाई की? देखिए, ये जनसंख्या समाधान यात्रा निकल रही थी, इसमें जाम की स्थिति से ही झगड़ा हो गया है और उसी में मारपीट हो गई जिससे कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। उसी में से बैठे हैं, हमने उनसे बात किया है तो बोले सर हम लिख के दे रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है आप लिख के दे दीजिए, जिसकी भी गलती होगी मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। सर ये लोग जो है जो यहाँ के ग्रामीणों का भी ये कहना है कि ये लोग जो जाम लगाए हुए थे और ग्रामीणों को पहले इन लोगों ने मारपीट शुरू किया है, तो क्या उसकी भी जांच की जाएगी? बिल्कुल, जो भी लिख के देगा हम सबकी जांच करेंगे और जिसकी गलती होगी उसे सज़ा भी मिलेगी।